राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके बोल रहे थे, देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। हमको अपने गांव का एक कहावत याद आता है कि जब एक किसान अपना पूरा खेत वेत जोत के बढ़िया से जब बरोबर कर लेता है तो कुछ बदमाश जाके खेतवा फिर बिगाड़ देते हैं, तो वही राहुल गांधी कर रहे हैं। उनका पूरा अमेरिका यात्रा देखिएगा, अभी 2 दिन हुआ है, और रोज नया नया समाचार आपको आएगा जहां आपको लगेगा कि आदमी सिर्फ भारत की इमेज बिगाड़ने के लिए काम करेंगे और झूठ के आधार पे काम करते हैं। तो मैं आज के इस 9 साल गरीब कल्याण वर्ष में ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, मीडिया के थ्रू मोहनलालगंज को, उत्तर प्रदेश को, 48 करोड़ लोग इस देश के बैंक का मुंह ही नहीं देखे थे। उनको सरकार से मिलने वाली सुविधा को देते कहाँ? प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है, सरकार बहुत ईमानदार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पहले कोई ईमानदार रहा ही नहीं होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद, जब आप देखेंगे जो नेहरू जी का आवास था, जब उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है, तो सभी प्रधानमंत्री के बारे में सारी बातें, जानकारियां वो उपस्थित हैं। आप अगर वहां जाए, आपका मन करे मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ फोटो खिंचवाना है, तो आपको ऐसी डिजिटल व्यवस्था की हुई है कि आप फोटो निकलवा के, आपको लगेगा नहीं कि हम लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ लाइव न बैठे, चंद्रशेखर जी के साथ लाइव न बैठे, मोरारजी देसाई जी के साथ, नेहरू जी के साथ, इंदिरा जी के साथ। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेदभाव नहीं किया, लेकिन आज के समय में जब देखिए, एक भी अच्छे काम का विपक्ष 2 लाइन अच्छा नहीं बोल सकता। किसको खुशी नहीं होगी जब वो आज बुंदेलखंड की सड़कों से भी जाएगा और नेशनल हाईवे का ये स्वरूप मिलेगा उसको। 48 करोड़ लोग जब बैंक से जुड़े, तब ये हो रहा है ना कि कोविड काल में 1,000 रुपया भी देना हुआ तो जिसके पास जाना है उसी के पास जाएगा। वो बीच में राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी के चेले नहीं रोक पाएंगे। ये तब होता है जब देने वाला ईमानदार हो और पहुंचाने वाली व्यवस्था ईमानदार हो। हम आप कोई भी समझेगा, मुझे बहुत, देखिए सरकार में तो एक सांसद के रूप में मैं भी हूं, लेकिन खुद मुझे लगता है कि किस प्रकार से अगर एक किसान को 6,000 रुपये भी देना है तो 6,000 में 1 रुपया कोई नहीं काट सकता है। एक बार बटन दबाना है और 18 18 करोड़ लोगों को पैसा चला जाता है। इसके लिए सिर्फ लंबी लंबी बातों का नहीं, इसके लिए नीति और नियत दोनों की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ करते हुए जब हमको पता चलता है कि इसी मोहनलालगंज क्षेत्र में, इसी लखनऊ क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, कैसा गौरव होता है। कौशल भाई साहब के क्षेत्र में हमारे रक्षा मंत्री, यहां से राजनाथ सिंह जी के प्रयास से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने लोगों को और कितने स्किल्ड लोगों को काम मिला होगा, उसमें मिल रहा है। तो मेरे मीडिया के विद्वान भाई बहन, मैं 9 साल के इस गरीब कल्याण को जानने के लिए मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूं, नमो ऐप पे, जहां पर आपके मन में जितने प्रश्न होंगे उनके जवाब मिलेंगे। और हम बार बार कहते हैं कि भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, मगर शिखर अभी शेष है, बहुत कुछ हमें करने हैं। और उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार ने जो जो परिणाम दिया है, उस पे मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि बहुतों को बहुत गर्व होगा। मैं अगले 2 दिन में
कभी भी किसी मीडिया के लोगों को हमारे साथ कहीं जाना हो और कुछ बात करना हो, हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे कौशल भाई साहब, हमारे माननीय मंत्री जी केंद्र के, हमारे जिलाध्यक्ष जी, इन सभी के साथ, हाँ टोटल में 8 दिन उत्तर प्रदेश में पार्टी ने मेरा दिया है। तो अभी आज और कल 2 दिन का ये पहला हमारा समय है, और फिर उसके बाद चूंकि हमें, हमारी भी एक लोकसभा है, वहाँ भी हमारे जैसे कोई एक वरिष्ठ आएंगे तो वहाँ भी समय देना है। लेकिन मोहनलालगंज के प्रत्येक मतदाता को, नागरिकों को मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे कार्यों की समीक्षा जरूर करिएगा, ताकि नरेंद्र मोदी और उनके सिपाहियों से न्याय कर सकें।